कल की बात, कल की बात छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी को कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से हैं आज हटाने। नया खून है नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में
नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मुमकिन बात है, आज तक मैंने झूठ से न कभी समझौता किया है न करूंगा। कितने दिनों से यह मुकदमा चल रहा है और आज तक तुम्हें मिला क्या है? कुछ नहीं। मैं कहता हूं चौधरी साहब से फैसला कर लो, ये केस आज ही खत्म हो सकता है। दीवान, तुम भूल रहे हो कि देश राम और हरिश्चंद्र जी का देश है, जिन्होंने सच्चाई के रास्ते से कभी मुंह नहीं मोड़ा। लेकिन अमरनाथ, जमाना बीत चुका है, इंसान बदल चुके हैं। जमाना बीत चुका है, इंसान बदल चुके हैं, मगर सच्चाई और इंसाफ का रास्ता न कभी बदला है न बदलेगा। मैं जानता था तुम्हें समझाने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम नहीं बदलोगे। लेकिन मुझे अपनी बेटी की भलाई यहाँ खींच कर ले आई थी, जो विलायत से आते ही तुम्हारे बेटे सुखेन की बीवी बनने वाली है। अच्छा ठहरो, देखती हूँ कैसे उतरते हो तुम। ला तो, वो टिफिन कैरियर दे दे इधर। चल छोड़। अरे तू क्या देख रहा है पागल, पहले उनको खिला करा। हा? हा? मैं उनकी माँ हूँ, मुझसे भागकर कहाँ जाएंगे? जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में कोई भूखा नहीं रह सकता। Thank you.
That's very good. मुझे काम करने वाले लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। सर सत्य, वो तुम लोगों के मुकदमे का फैसला अगले हफ्ते होने वाला है ना? जी हाँ, 20 तारीख को। देखें क्या होता है। We will win, sir. क्या कहा? तुम लोग जीत जाओगे? ये तुम्हें कैसे मालूम? सर, सच्चाई कभी नहीं हारती। ओह, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम लोग ये केस जीत जाओ। Your father should win. सर, आज मुझे काम से जल्दी आना है, क्या मैं जा सकता हूँ? पिछले हफ्ते भी तुम 3 बार छुट्टी लेकर गए थे। My dear boy, you should not neglect your work. Only today, sir. All right. Thank you, sir. हेलो, कौन? सत्यनव, क्या बात कर रहे हो? हेलो कल्पना, आप अभी तक ऑफिस में क्या कर रहे हैं? काम। काम के सिवा और भी कुछ याद रहता है आपको? हाँ, तुम? मालूम है आज कौन सा दिन है? तुम्हारी सालगिरह का। सालगिरह मुबारक हो कल्पना। मेरी सालगिरह से बढ़कर तो आज एक दूसरी ही सालगिरह है, हमारी सगाई की, है ना? और आज के दिन भी हम साथ नहीं हैं। अपने प्यार पर ताज्जुब नहीं होता आपको? आपका कुछ वक्त तो मुझे भी कभी मिलना चाहिए। आखिर मैं आपकी मंगेतर हूँ, मुझसे आपकी शादी होने वाली है। आप हंसकर भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सब काम छोड़कर 1 मिनट में आ जाइए, वरना मैं सचमुच रूठ जाऊंगी। कल्पना, कल्पना। जी पिताजी। अरे ना, देखो तो कौन आ रहा है, शायद सत्यन है। जाने टैक्सी में क्यों नहीं आए? तुम्हें तो मालूम है कितना परेशान है बेचारा। जब से मुकदमा चल रहा है उसके घर को मुसीबतों ने घेर लिया है, टैक्सी से भला कैसे आता? कार तो इधर है। इधर नहीं, उधर। क्यों, मेरी गाड़ी में नहीं चलोगे? ये तो सस्ती कार है, आज मैं तुम्हें 2 लाख की गाड़ी में ले जाऊंगा। 2 लाख की गाड़ी? क्या तुम्हारे नाम लॉटरी निकली है? लॉटरी तो पिछले बरस निकली थी, जब तुम्हारे साथ सगाई हुई थी। कहाँ है तुम्हारी 2 लाख की गाड़ी? वो आ गई, जल्दी आओ। 2 लाख की गाड़ी किसी का इंतजार नहीं करती। बस, जब अपनी गाड़ी मौजूद है तो बस में क्यों चलना चाहते हो? कल्पना, एक गरीब को अपने मंगेतर की गाड़ी में घूमना शोभा नहीं देता, और आज मुझे गरीब के जेब में सिर्फ 5 रुपए हैं, जो मेरे लिए 5 लाख के बराबर है। आओ। ओ भीगी भीगी हवा है नशा ही नशा, कहीं खो जाया है नशा ही नशा, कहीं खो जाया नीली नीली घटा।
शराबी है मस्ती के मेले हैं आजू में जरा नीली नीली घटा ओ भीगी भीगी हवा है नशा ही नशा कहीं खो गया है नशा ही नशा कहीं खो गया नीली नीली घटा छल के गालों पे ढल के सावन की बूंदों में चंचल इशारे हैं समझो इशारा दे दो सहारा तुम भी हमारे हो हम भी तुम्हारे हैं राजो में जरा नीली नीली घटा भीगी भीगी हवा नशा ही नशा कहीं खो जाए जा ओझल तू हो जा मंजिल ये अपनी है दिल मेरा बोले है आजू में जरा नीली नीली घटा ओ भीगी भीगी हवा है नशा ही नशा कहीं खो जाया है नशा ही नशा कहीं खो जाया नीली नीली घटा जादू आंखें बेताबू पूछे तुम्ही से ये होगा और आगे क्या जन्नत ही है मुझको यकीन है मेरे पास तू जो है दिल और मांग क्या आज होंगी जरा नीली नीली घटा ओ भीगी भीगी हवा है नशा ही नशा कहीं खो जाएगा है नशा ही नशा कहीं खो जाएगा नीली नीली घटा ओ भीगी भीगी हवा है नशा ही नशा कहीं खो जाएगा है नशा ही नशा कहीं खो I tell you, it is impossible to keep you here. I don't know what to do with you. 7 साल से आर्टिकल क्लार्क हो एक ब्रीफ इतना भी नहीं सीखे सर आई मीन सर मिस्टेक बता देते तो मैं ठीक कर देता मिस्टेक यू स्काउंडल ये अटॉर्नी का ऑफिस है जुए का अड्डा हर वक्त तुम्हारे माइंड का ट्रेन उधर ही रहता है मैं ट्रायल लिखाता हूँ आप ट्रेल लिखते मैं रिस्क लिखाता हूँ आप रेंज लिख कर लाते और आज मैंने आपको ओपन कोऑपरेशन लिखने को कहा था आपने ओपन टू क्लोज लिखा है सब तरह के जुए खेलते हो जुआ
नो सर, नेवर इन लाइफ सर। सर कल जरा आपने नाना जी को बुलाना, उनसे साफ कह दूंगा मैं आपकी इस अजीज को आदमी नहीं बना सका। आई एम डिफीटेड। बस सर यही गलती थी जे की, मेरा मतलब है स्पेलिंग की, डिक्शनरी देखकर ठीक कर देता हूँ। ओह गेट आउट। मैंने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा और न कभी छोड़ूंगा। तुम अपनी सच्चाई और जिद को लिए ही बैठे रहो, लेकिन मुझे सुधा और सुखेन की मांगनी तोड़नी ही पड़ेगी। मैं गरीब हो गया और इसलिए तुम ये रिश्ता तोड़ रहे हो? तुम इस तरह मेरा अपमान नहीं कर सकते। अपमान की बात नहीं, मैं सुधा का बाप हूँ और उसके भविष्य और सुख के बारे में मुझे सोचना ही पड़ेगा। दीवान अब ये मांगनी कोई नहीं तोड़ सकता। मैं तोड़ सकता हूँ। सुधा कल विलायत से वापस आ रही है, उसके आने से पहले मैं ये फैसला कर देना चाहता हूँ कि मैंने ये मांगनी तोड़ दी है। आज तुम इंसान को दौलत से तोड़ रहे हो, और दौलत इंसान के पास कभी रहती है कभी नहीं रहती। याद रखो, इस अपमान के लिए एक दिन तुम जरूर पछताओगे, और उस दिन मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। भैया माना कि तुम उस लड़की को नहीं जानते, लेकिन क्या तुम चुप रहकर यह सब कुछ बर्दाश्त करोगे? तुम क्यों नहीं समझते सत्यन, कौन बाप अपनी बेटी गरीब के घर में देना चाहेगा? अमरनाथ जी कैसे हैं? ये मैं खुद भी नहीं जानता। अब हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं रहा। क्यों? जो आदमी अपनी दौलत की हिफाजत नहीं कर सकता, वो दूसरे के घर से आई हुई लक्ष्मी को कैसे सुखी रख सकता है? मैंने तुम्हारी मंगनी उसके बेटे सुखेन से भी तोड़ दी है। आओ चले।
Well, Devine, your daughter dances very well. Thank you, Jackson. Have a drink. Have something to eat. Please, please, come along. Hello? Hello? My compliments. Thank you. The dance was charming and especially were exquisitely graceful. Thank you. I am Shankar. Oh, you are Shankar. The famous Shankar. Famous hu ya nahi ye tumhe nahi janta. Magar Shankar zarur. Aiyah, aiyah. Papa, papa, inse milye. Ye hai Mr. Shankar. Editor of Shankar's Weekly, Hindustan ki mashhoor cartoonist. Beti, ye wo Shankar nahi hai. Ye to apne Mr. Verma ki nephew hai. Recently England se labor and industrial relations ka diploma lekar aaye hain. Aur tumhare father ke saath business mein sharik ho gaye. Bhaiya, Diwan sahab ko likh rahe ho? Nahi, un beti ko. सुधा देवी, हमें गरीब समझकर आपके पिताजी ने हमारी मंगनी तोड़ दी। हो सकता है कि ठीक किया हो, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर शादी के बाद मेरी हालत बुरी हो जाती तो फिर आपके पिताजी क्या करते? सुखीन, मैं इस खत का जवाब जरूर दूंगी। खत में तो उसने आपको लाजवाब कर दिया, अब क्या जवाब देंगे आप? बात तो ठीक है, इस गरीब आदमी को मैं एक बार जरूर देखना चाहती हूँ। तू पता लगा। कोई गरीब लड़की ही मालूम होती हूँ ना? कुछ खास तो नहीं, फिर भी ठीक है। और तुम शीला, पहचान तो लोगी ना उसे? देखा तो था एक बार, चलो देख ले। वो रहा बुक स्टॉल। ये लीजिए। कौन सी किताब चाहिए आपको? जी, कोई ऐसी किताब जिसे पढ़कर अमीर घरों के लड़के दहेज न मांगे। जी, मेरा मतलब है आपको अपने लिए चाहिए किताब। जी जी नहीं, मैं ये किताब उस लड़के को प्रेजेंट कर दूंगी जिसने मेरे माँ बाप के गरीब होते ही मुझसे सगाई तोड़ दी। तो इसमें शर्म से मुंह छुपाने की क्या बात है? मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल यही किस्सा मेरे साथ हुआ है। आपके साथ? जी हाँ, इसी तरह मेरे माँ बाप अमीर से गरीब बने, इसी तरह मेरी सगाई टूटी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं आपकी तरह शर्म से मुंह नहीं छुपाता। आपकी बात दूसरी है, आप मर्द हैं, किसी लड़की के लिए बड़ी बदनामी की बात है। कैसी बुजदिली की बातें करती हैं आप? अपने आप में विश्वास पैदा कीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? ठीक होने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा पैसा भी आ जाएगा। लेकिन कैसे? हिम्मत और हौसले से। ये सब जो आप देख रही हैं, मैंने चार किताबों से शुरू किया था। आपकी बात और है, मैं कर ही क्या सकती हूँ? आप भी सब कुछ कर सकती हैं, और आजकल तो हजारों लड़कियाँ मर्दों से भी बढ़कर काम कर रही हैं। ये किताब लेती जाइए, करियर सवेमन, इसमें से कोई भी करियर चुन लीजिए और अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए। अगर आपके मंगेतर में जरा भी गैरत हुई तो कदर करेगा आपकी। उसे क्या पड़ी है, हजारों लड़कियां मिल सकती है उसे। आप उसे समझाइए, उसे खत लिखिए, मैंने भी ऐसा ही किया है। तो क्या जवाब मिला आपको? जवाब मिले ना मिले, अगर लड़की जरा भी शरीफ हुई तो मेरा इंतजार करेगी। क्या ख्याल है आपका? जी, मेरा मतलब है आप ही लड़की हैं, अगर उसकी जगह आप होती तो क्या जवाब देती? मैं पता नहीं, मिल गए प्रीतम। जी मिल गए प्रीतम, है आपके पास? जी नहीं। प्यार की ज्वाला, पागल मनवा, पैसे नैना, शाम की जोगन, हो गए दर्शन? जी नहीं। अब भी नहीं हुए दर्शन? जी बात यह है कि मेरे लिए ये पहला मौका है कि मैं इस तरह के नाम सुन रहा हूँ। ये तो हम भी देख रहे हैं कि पहला मौका है। चलो जी, कहीं और देखें। मिल गए प्रीतम, प्यार की ज्वाला, पैसे नैना, इस तरह की किताबें पढ़ती हैं हमारे देश की नौजवान लड़कियां। जीवन में सुखी सुख है तो क्यों ना पढ़े, कोई पढ़ सकता है, कोई पढ़ने को तरसता है। है? क्या कीमत है इसकी? कीमत क्या, फिक्र न कीजिए, पढ़कर वापस कर दीजिएगा। शुक्रिया। ए टाइगर,
आपने किताब के पैसे नहीं दिए ना, इसलिए इसने आपको पकड़ लिया। बेटी, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। मैंने अपनी बेटी सुधा की शादी मिस्टर शंकर से तय कर दी है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम इस तरह मेहमानों को छोड़कर क्यों चली आई? ये कि आप जिसके साथ मेरी शादी करना चाहते हैं वो आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपने मुझे पूछा क्यों नहीं? मुझे इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। शंकर एक शरीफ लड़का है, काबिल है, खूबसूरत है, और इसके अलावा वो मेरा सारा कारोबार होशियारी से संभाल रहा है। पैसा कितना है उसके पास ये पूछने का तुम्हें क्या हक है? इसलिए कि अगर मिलने जुलने की कसौटी इंसान की दौलत है तो शादी की कसौटी तो रिजर्व बैंक होना चाहिए। बकवास नहीं करोगी तुम? आपने क्या मुझे कठपुतली समझ रखा है? जब जी चाहा इधर घुमा दिया, जब जी चाहा उधर। सुधा, अगर ऐसा ही था तो मुझे तालीम क्यों दी, विलायत क्यों भेजा? इसलिए कि तुमको अच्छे और बुरे की तमीज आ जाए, मगर ये चीज अब तक तुम में नहीं आई।
मेरे बार बार मना करने पर भी तुमने सुखेन के साथ मिलना जुलना नहीं छोड़ा। मजबूर होकर मुझे शंकर के साथ ये शादी अनाउंस करनी पड़ी। अगर आप किसी की मजबूरी से फायदा उठाकर अपने आप को खुश करना चाहते हैं तो आपको हर इख्तियार है पिताजी, लेकिन लेकिन अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते थे। दुखियन बाबू, आपके दर्शन तो भगवान के दर्शनों से भी ज्यादा दुर्लभ हो गए। उनके दर्शन तो हर मंगलवार को हो ही जाते हैं। पधारिए, आराम से पधारिए। कहिए, घर का समाचार क्या है? कब हो रहा है मुकदमे का फैसला? 20 तारीख को। अच्छा सुखियन बाबू, सुना है आपके विपक्षी लोग तो बहुत धनवान हैं, फिर किस भरोसे उनसे मुकदमा लड़ा जा रहा है? भरोसा और किसका होगा, भरोसा सिर्फ सच्चाई का है। कोई अगर बेइंसाफी से हमारा सब कुछ छीन लेना चाहे तो कम से कम इंसाफ के लिए हमें उसे लड़ना तो चाहिए। अवश्य लड़िए, अवश्य लड़िए, लेकिन सुखियन बाबू, सिर्फ सच्चाई के भरोसे ये व्यापार नहीं चल सकता। मेरा मतलब ये है कि ये संसारी बहुत बुरी जगह है, लेन देन इस आश्रय नहीं हो सकता। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मेरा मतलब ये है कि 3000 रुपया तो आप पहले ही ले चुके हैं और 1000 रुपया आप और मांग रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि मुकदमा जीतने के बाद आप मेरा रुपया वापस लौटा देंगे, लेकिन अगर भगवान ना करे विरोधी जीत गए तो मेरे रुपये का क्या होगा? जरा सोचने वाली बात है। लेकिन इस बात पर यकीन करके तो आपने रुपया नहीं दिया था, उसके लिए आपके पास मेरी माँ के गहने गिरवी पड़े हैं। हाँ, एक बात जरूर है, जो अब मैं 1000 मांग रहा हूँ उसकी जमानत देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और ना ही मैं आपको केस जीतने की आशा दिला सकता हूँ। अगर आपको इतबार है कि मैं आपका रुपया वापस कर दूंगा तभी ये उधार लूंगा। अरे सुनिए सुनिए सुखियन बाबू, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या मेरी गद्दी से खाली हाथ लौटेंगे? अब ये रुपया तो गया ही समझो, भरोसे पर धंधा कर रहा हूँ इसीलिए तो जरा सूद। कितना सूद लेंगे आप? बस यही 15 रुपए सैकड़ा से गुजारा कर लूंगा। अच्छी बात है, मगर एक बात है सुखियन बाबू कि ये रुपया 3 महीने के अंदर लौटा देना होगा। लौटा दूंगा। ए राधे, लिखो भाई, रुपया दे रहा हूँ, जरा हस्त अक्षर। आप आइए। बड़ा अफसोस है सुखियन, तुम्हारे पिताजी अगर बदलते हुए जमाने के साथ चलने को तैयार हो जाते तो ये केस कभी ना हारते। अच्छा वकील साहब, नमस्ते। मत उठाओ, बहुत सुन चुका हूं, मुझे किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। मां, भैया तुमने सुना? माँ, अब क्या होगा सत्यन? अब और क्या होगा माँ, तुम फजूली चिंता कर रही हो। अब इस तरह चिंता करने से हारा हुआ मुकदमा थोड़ी ही जीत जाएंगे। ये बात नहीं सत्यन, मैं तो तुम्हारे पिताजी के बारे में सोच रही हूँ। जब से हार की खबर उन्होंने सुनी है चुपचाप बैठ गए हैं, कोई लाख चाहे मुंह उठाकर बात भी नहीं करते। पहले बीमार रहते हैं, कमजोर शरीर है, यही हाल रहा तो जाने कितने दिन हमारे साथ रहेंगे। पुराने जमाने के लोगों में यही तो बुरी बात है। मैंने तो हमेशा ही पिताजी से कहा था उसे आधा हिस्सा देकर समझौता कर लीजिए, फिर आज ये नौबत ही ना आती। बेइंसाफी के साथ समझौता? हाँ भैया, देख सुजाता, ये पहले के दिन नहीं है। तू इंसाफ और बेइंसाफी की बात छोड़ दे, मुकदमे के जीत या हार सच या झूठ पर मुनासिर नहीं होती है, होती है गवाही और सफाई पर। सच्चाई के लिए न लड़कर अगर हमने बेइंसाफी के साथ समझौता कर लिया होता
तो इससे अच्छा रहता। कभी नहीं, अन्याय के साथ कोई समझौता नहीं। सच की मर्यादा रखने के लिए पिताजी संसार के सामने चाहे हार गए हों, लेकिन यह हमेशा याद रखना कि धर्म और भगवान के सामने उन्हीं की जीत हुई है। हाँ, उन्हीं की जीत हुई है, लेकिन सब कुछ गंवाकर। धर्म और भगवान की दुहाई तुम्हारे लेनदार नहीं सुनेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है सतीन, तुम धर्म और भगवान के नाम पर लेनदारों को दिलासा देना चाहते हो। लेकिन इतना कर्ज, इतने बड़े घर का खर्च, पिताजी का इलाज, दीपू और मीनू की पढ़ाई, सुजाता की शादी। भैया, अगर तुम जरा सी भी दुनियादारी समझते तो सच की इतनी बड़ाई ना करते। चुप रहो। क्या तुम एक अमीर बाप के लालची बेटे की तरह उसकी जायदाद का सहारा लेना चाहते थे? तुम बहुत कमजोर आदमी हो सतीन, इसीलिए बैकी बैकी बातें करते हो। पिताजी ने हम लोगों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, क्या सिर्फ इसलिए कि हम उनके दोष निकालें? इतनी बड़ी मुसीबत में जहां तुम्हें माता पिता को तसल्ली और धीरज देना चाहिए, वहां तुम उनके दिलों को तोड़कर घर की बुनियाद ला रहे हो। सुखेन बेटा, नहीं बात तुम सत्यन, ये सब दुख में कह गया है, नहीं तो वो क्या समझता? नहीं समझता है माँ, लेकिन जिस दिन उसको ज्यादा समझना चाहिए था उसी दिन ना समझ बन गया। मुझे तो इसी बात का दुख है। सुनो सतीन, इस तरह घबराने से तुम संसार के बोझ से पिस जाओगे। संसार से लड़ना सीखो। और एक बात याद रखो, सभी बाप तो अपने बेटों के लिए जागीर जायदाद छोड़कर नहीं जाते। हमें जो सुख मिला है वो क्या कम है? आज हम यही सोचेंगे कि हमारे पिताजी के पास कभी कुछ नहीं था। रास्ते में हरी बाबू मिले थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। देहरादून के गर्म झरने में नहाने से उनका वात रोग दूर हो गया है। मैंने वहां एक दोस्त को चिट्ठी लिख दी है। क्यों? मैं चाहता हूं पिताजी आप भी वहां इलाज के लिए चले जाएं। ये तुम क्या कह रहे हो सुखेन? मुकदमा हार जाने के बाद ये सब बातें मजाक मालूम होती है। बेटा, अब तो हमारा सिवाय इस टूटी हुई हवेली के कोई सहारा नहीं रहा। कौन कहता है माँ तुम्हारा कोई सहारा नहीं? हम दोनों बेटे का तुम्हारा कोई सहारा नहीं? क्यों नहीं, पर इतने बड़े मकान का खर्च, कर्ज का बोझा, सत्यन की फीस, इनका इलाज, ये सब तेरे 250 रुपए की नौकरी में क्यों कर पूरा होगा बेटा? यही तो तुम्हारा अन्याय है माँ कि तुम ऐसा सोचती हो। क्या तुमने हमें यही शिक्षा दी है कि हम 250 रुपए से ज्यादा ना कमा सकें? बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। और अगले बरस तो ये पगला भी अटारनी हो जाएगा। कितना लायक है सत्यन, ये शायद माँ तुम भी नहीं जानती। और तू क्यों चुपका सुझाता? कह दे माँ को बीए पास हूँ, मैं भी नौकरी करूंगी, फिर तो मेरी माँ दिन रात नोट ही गिनती रहेगी, हमसे बात करने की भी फुर्सत नहीं होगी माँ को। सावित्री, मेरा बेटा देखा, औलाद अगर इतनी नेक निकले तो वो माँ बाप के किसी बहुत बड़े पुण्य की निशानी होती है। मैं हारा नहीं सावित्री, अब मुझे कोई दुख नहीं। यही तो भगवान ने मेरी सच्चाई का इनाम दिया। संसार में इससे बढ़कर और क्या सुख हो सकता है? मुन्नू भाग गए भैया। अच्छा, तो जाओ पकड़ो उसे जाके, जाओ। जानते हो भैया मुन्नू क्यों भागी? नहीं तो मुन्नू ने तुम लोगों की सब बातें सुन ली है। सच? सब बातें सुन ली? अब क्या होगा, तुमने तो नहीं सुनी? मैं तो नहीं सुनना चाहता था, मीनू ही मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले गई। अच्छा अच्छा, झूठ बोलते हो, जानते हो भैया ये हमको खींच के लेके गया था। झूठी कहीं की, मैं तुझे खींच के ले गया था। हाँ, मैं तुम्हें ले गया था। अरे अरे दीपू, चलो बाल छोड़ो। दीपू ने मुझे क्या कहा था बताऊं भैया? देख मीनू, ठीक नहीं होगा। दीपू, अब तुम चुप रहो। हाँ बोलो मीनू। दीपू बोल रहा था पिताजी मुकदमा हार गए हैं, इसलिए इसलिए अब जी नौकरी करनी पड़ेगी। सच? हैं। एक बात बताऊं भैया, मीनू ने एक पैसा जमीन में गाड़ दिया। अच्छा,
हाँ, और कहती है रोज पानी दूंगी, जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उस पर रुपए लगेंगे। बेवकूफ लड़की, कभी पेड़ पे भी रुपए लगते हैं? क्यों नहीं लगते, लगते हैं ना सुनता? हाँ हाँ जरूर लगते हैं, और डाल को पकड़कर हिलाने से झनझन करके तेरे पे नीचे गिरते हैं। भैया, अरे ये क्या, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम लोगों को जवाब मिल गया है। जवाब मिल गया? किसने जवाब दिया? माँ ने छुट्टी दे दी है। माँ ने? और तुम सब चुप हो? इनके चले जाने के बाद घर का काम कौन करेगा? क्यों, माँ हम करेंगे। माँ करेगी? कहाँ है माँ? माँ, 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 तुम सबने मिलकर अब ये क्या शुरू किया है? क्यों, क्या हुआ बेटा? मैं पूछता हूँ, बंसी और लक्ष्मी क्यों निकाले जा रहे हैं? इसमें नाराज होने की क्या बात है बेटा, महीने के बाद उनकी तनख्वाह का दिन आएगा, तब क्या दूंगी उनको? पर माँ, अभी महीना खत्म कहाँ हुआ है? कभी तो खत्म होगा। इसके अलावा आप दो दो नौकर रखने की हमारी नवाबी नहीं रही। नवाबी? क्या कह रहे हो सचिन? इतने बड़े घर को साफ रखना, 10-10 आदमियों का खाना पकाना, ये सब क्या माँ करेगी? और इतना काम करने के बाद माँ की कमर किस तरह झुक जाएगी, ये भी कभी तुमने सोचा है? सोचने से क्या फायदा, हम लोगों की जितनी आमदनी है उतने में ही सब पूरा करना होगा। नहीं तो क्या तुम सोचते हो मैं ही माँ को सुख में नहीं रखना चाहता? तुम माँ को सुख में तो रखना चाहते हो सचिन, लेकिन तुम्हें शक्ति नहीं और अपने सामर्थ्य में विश्वास नहीं। सुनो माँ, ये नौकर नहीं निकाले जाएंगे। जिस दिन मुझे महसूस होगा कि मैं ये खर्च संभाल नहीं सकता, उसी दिन इस बारे में सोचूंगा। और इसके अलावा कल्पना तुम्हारी मंगेतर है, मान लो कुछ ऐसी ही बात तुम्हारी शादी के बाद हो जाती तो क्या तुम अपनी पत्नी को छोड़कर भाग जाते? तब और बात हो जाती, उस हाल में हम दोनों को दुख में भी साथ निभाना पड़ता। तो ये क्यों नहीं मानते कि कल्पना को अब भी तुम्हारे दुख से दुख हो सकता है? सिर्फ आग के इर्द गिर्द घूम कर ही रिश्ता नहीं बनता, ये मन है जो रिश्ता जोड़ता है। मैं तो सिर्फ कल्पना को दोबारा सोचने का मौका दे रहा हूं, अगर वो चाहे तो अभी भी किसी दूसरे से शादी कर सकती है। ये भी गलत है सत्यन, लड़कियों का दिल बिकाव नहीं होता, जिसे जब चाहे खरीद लिया जाए, जब चाहे बेच दिया जाए। और ये भी याद रखो, हमने तुम्हारे घर की धन दौलत देखकर अपनी बेटी की शादी तुमसे करने का विचार नहीं किया था, वो किया था तुमको देखकर। अपनी तकदीर से रूठकर दूसरों को दुख मत दो। कौन, कल्पना? मेरा ख्याल है कि इस बात का फैसला तुम कल्पना से ही कर लो तो बेहतर है। ये तुम पिताजी से क्या कह रहे थे? देखो कल्पना, तुम मुझे गलत ना समझो, ये तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं। कल लोग क्या कहेंगे कि गरीब के सर तुम्हारे पिताजी ने अपनी लड़की मंग दी? और मंगनी टूट जाने के बाद लोग क्या कहेंगे? यही ना कि मुकदमे में हार हुई तो मंगनी तोड़ दी। देखो कल्पना, तुम मुझे गलत ना समझो, तुम नाजू की पली आखिर एक गरीब के साथ कैसे रह सकोगी? गरीब गरीब गरीब, आखिर तुम अपने को गरीब क्यों कहते हो? प्रेम सुख चैन क्या ये सब रुपए से तोले जा सकते हैं? बस आए अपनी मोहब्बत जताने। कल्पना, क्या तुम हर हाल में मेरे साथ रह सकोगी? औरत सिर्फ एक बार प्यार करती है, सिर्फ एक बार सत्य। तुमने मेरी सालगिरह पर कहा था जन्म जन्म साथ रहूंगा, और आज खुद ही। मुझे माफ कर दो कल्पना, आज तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। कैसे खुश करूं तुम्हें? मेरे साथ चलो, बताती हूँ। याद है मेरे सालगिरह पर तुम मुझे घुमाने ले गए थे, आज मैं तुम्हें ले जाऊंगी, चलो। ये सत्यन का मूड कुछ ठीक नहीं मालूम होता है। हाँ, एक बुरे मूड के आदमी के लिए दरिया का किनारा बड़ा खतरनाक होता है, उसका खामखा जी चाहता है पानी में कूद जाए।
You don't mean to say that? Exactly I mean to say. सत्यन का जी चाहता है कि पानी में कूद जाए। अब मैं क्या करूं? आप पहले पानी में डूब जाइए। मैं? हाँ। मगर मुझे तो तैरना नहीं आता। अरे ये तो और भी अच्छा है, तुम्हें पानी में डूबता देखकर वो आकर तुम्हें बचाएगा और अपने बिलेवट को मौत के मुंह से निकाल कर किस लवर का मूड अच्छा नहीं रह सकता। नहीं, नहीं, एक बात है। दो घंटे से साथ घूम रही हूँ मगर तुम हो कि एक मिनट के लिए भी मेरी तरफ नहीं देखते। बस बड़ा फर्ज अदा कर रहे हो साथ आके। मैं पूछती हूँ तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है, ठीक क्यों नहीं होता? फिक्र, परेशानी, गरीबी, ऐसे हालात हो तो मुंह बनी जाता है। तुम मुझसे सीधी तरह हंसकर बात नहीं करोगे तो मैं समंदर में कूद के जान दे दूंगी। अच्छी बात है, अगर मेरे जीते जी तुम्हें हंसी नहीं आती तो शायद मेरे मौत के बाद आ जाएगी। कल्पना, 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 बचाया। अरे आनंद बाबू, मेरे पैसे क्या हुआ है? अरे चलिए चलिए चलिए। ये हंसी अदाएं दे
धड़कने सो गई ये नशीली आंखें देख के देख के रात निखरी हूँ जुल्फ बिखरी हूँ हर अदा तेरी तूनों की डाली आज सुबह नहीं निखरी हुई रंग भरी मस्तियां ये बहारों के काफिले रंग भरी ये बहारों के काफिले हम चले तुम चले कोई साथ साथ चल दिए चल दिए रात निखरी हुई जुल्फ बिखरी हुई हर अदा तेरी फूलों की डाली वापस आ जाती हूँ देखो मगर देर मत लगाना अरे छोड़ छोड़ कहाँ लिए जा रहा है मुझे ए छोड़ मैं कर दूंगा थैंक यू देखो भाइयों तुम जहां कहीं भी फॉरवर्ड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से काम पर जाओ चाहे दीवान एंड को की सीमेंट फैक्ट्री हो या लोहे का कारखाना या कपड़े की मिलों में आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो काम आप करें उसमें किसी किस्म की खोट ना हो और तुम्हारी तरफ से उन्हें किसी किस्म की शिकायत ना हो भरोसा रखिए सुखेन बाबू हम शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे हाँ एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैसे की खातिर देश से दुश्मनी कर जाते हैं 2000 के नफा के लिए देश का 10 लाख डुबो देते हैं ऐसे लोगों को हमें कभी माफ नहीं करना चाहिए इसलिए अगर तुम अपने कारखाने में या मिल में कभी ऐसी गड़बड़ देखो तो मुझे फौरन बताओ हम उसी वक्त पुलिस को रिपोर्ट करेंगे हुकूमत को बताएंगे समझ गए जी हाँ बहुत अच्छे अच्छा अब आप लोग जा सकते हैं नमस्ते नमस्ते ओ आप तो ये टाइगर आपको यहाँ लाया जी हाँ मगर मैंने तो कोई चोरी नहीं की मैं तो किताब वापस करने आई थी अच्छा चलो टाइगर चलो आइए ओ माफ कीजिएगा फॉरवर्ड एम्प्लॉयमेंट यस हाँ हाँ कितने मजदूर चाहिए आपको 15 ओ हाँ हाँ जी हाँ 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 यस यस आई विल डू दैट ओके बाय बाय तो आपने काम काफी बढ़ा लिया है जी कोशिश कर रहा हूँ ओह एक्सक्यूज मी फॉरवर्ड एम्प्लॉयमेंट हाँ हाँ 6 BABT टीचर्स यस 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 हाँ हाँ ओ यस विद इन अ वीक्स टाइम ओके बाय बाय अगर आज आपकी मंगेतर आकर देखती तो जरूर खुश होती उन्हें यहाँ आने की फुर्सत ही कहाँ है अरे हाँ आपके खत का कोई जवाब मिला अभी जवाब का वक्त नहीं आया आप अपनी सुनाइए अपनी हालत तो पहले से भी बुरी है काम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ
देखिए आप घबराइए नहीं, मैं जरूर आपको कहीं ना कहीं नौकरी दिलवा दूंगा। क्या दिला सकते हैं? किसी पर्टिकुलर स्कूल की टीचरी 60 रुपए की, किसी मोटे सेठ की सेक्रेटरीशिप 125 रुपए की, या किसी उजड़े खैराती अस्पताल की नर्स 150 रुपए की? यही काम दिलाएंगे ना आप? ये दुनिया मर्दों की है, पैसे वाले कारोबार सब मर्दों ने संभाल रखे हैं, औरत बेचारी सेवा करने के लिए पैदा हुई है। हाँ आप ठीक ही कहती हैं, और ठीक भी नहीं, दुनिया में कुछ ऐसे काम भी हैं जो सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं। ये म्यूजिक नोटेशन की किताब आपकी है? जी हाँ, सिजाय कैफे के लिए एक प्रोग्राम तैयार कर रहा हूँ। देखिए एक आइडिया आया, आपको डांस आता है? जब घर की हालत अच्छी थी तो सभी कुछ सीखा था, म्यूजिक डांस कविता सब कुछ आता था। फिर तो काम बन गया। Shall we try? मैं कह रहा हूं आपको, अच्छी बात है, देख लूंगा। सुखेन बाबू, अगर इन बदमाशों को मालूम हो गया कि पुलिस को खबर हमारे जरिए लगी है तो वो हमें इसी वक्त काम से निकाल देंगे। इस बात से डर कर हम देश का नुकसान नहीं कर सकते, वक्त आने पर हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, और अगर तुम्हारी इस इतला से वो बदमाश पकड़े गए तो सरकार की तरफ से तुम्हें इनाम भी मिलेगा। कस्टम डिपार्टमेंट, प्लीज कनेक्ट मी टू द इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम्स। क्या कहा आपने? सेठ धनपत की मिल से कपड़ा चोरी हो रहा है। करप्शन डिपार्टमेंट, इज दैट इंस्पेक्टर भोसले स्पीकिंग? मैं फॉरवर्ड एम्प्लॉयमेंट से बोल रहा हूँ, दीवान एंड कंपनी की तरफ से जो सीमेंट नगरोल डैम को भेजा जा रहा है उसमें राख मिली हुई है, आप फौरन चेकअप कीजिए। जी हाँ मुझे पता चला है, थैंक यू। जी मिस्टर शंकर बाबू, क्या दीवान साहब नहीं आए क्या? आना चाहिए, मैंने उन्हें मीटिंग का टाइम बता दिया। पुलिस के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को पता चल गया, अब क्या होगा शंकर बाबू? होगा क्या, अब अपने ये बिजनेस कुछ दिन के लिए बंद रखने पड़ेंगे। आखिर है ये कौन इंसान जिसने की पुलिस को इत्तला कर दी? फॉरवर्ड एम्प्लॉयमेंट का प्रोप्राइटर, उसका नाम है सुखेन। अब इस आदमी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दो ही तरीके हैं, एक तो उसके सारे वर्कर्स निकाल दिए जाए, दूसरा सुखेन को हमेशा के लिए रास्ते से साफ कर दिया जाए। आपका मतलब उसकी जान से है? मेरा मतलब नहीं, हमारा मतलब है। लेकिन आपका क्या ख्याल है, दीवान साहब ऐसे हरकत पसंद करेंगे? हेलो, कौन? दीवान साहब? जी हाँ मैं शंकर बोल रहा हूँ। शंकर, मैं कोई जरूरी काम से यहाँ रुक गया हूँ, मैं वहाँ नहीं आ सकता, तुम मीटिंग कंडक्ट कर लो। हाँ एक बात सुनना, आजकल लेबर का प्रॉब्लम बहुत टेढ़ा हो गया है, डोंट टेक द लॉ इन योर ओन हैंड्स। यस ओके राइट हो। जी हाँ हर चीज आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कर रहा हूँ, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल वही करूंगा जो आप चाहते हैं। हाँ तो सुन लिया आप लोगों ने, आइए। तो अब प्लान ये है कि कल सुबह तक सुखेन को गुंडों से खत्म करवा दिया जाए और उसकी दुकान भी जलवा दी जाए, लेकिन इस काम के लिए 2000 रुपए की जरूरत होगी, लेबर मेरा, फाइनेंस आप लोगों का। मंजूर है? मंजूर है। सुखेन बाबू से कहना तुम्हें एक स्कूल में नौकरी मिल गई है और कल बच्चों को लेकर पिकनिक पर जाना है, ये बहाना बना देना, ड्राइवर बीमार है, और एक दिन के लिए ड्राइवर बनके तुम्हारी नौकरी बचा ले। क्या वो राजी हो जाएंगे? तुम घबराते क्यों हो, बच्चों को ऑफिस में भेज देना, वो उन्हें जरूर खींच लाएंगे। लेकिन तुम उन्हें गुंडों के बारे में बताती क्यों नहीं? वो बहुत जिद्दी है, नहीं सुनेंगे, और फिर मेरा राज भी खुल जाने का डर है। होशियार रहना, ये राज किसी को पता ना चले। Yes, boss. Yes.
अभी तो कहती थी आप ड्राइवर से भी तेज चलाते हैं। चलो ना अंकिल, प्लीज अंकिल चलो ना। चलो ना अंकिल, प्लीज चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना। सुखिन बाबू कहाँ मिलेंगे? ओहो, तो आप हैं आंटी। और आप ड्राइवर अंकल। ये किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि मुझे बच्चों के स्कूल में नौकरी मिल गई है। हफ्ते में उन्हें एक बार पिकनिक पर ले जाना होगा, लेकिन ड्राइवर साहब ऐसे हैं कि आज ही बीमार हो गए, तो इसलिए आज मैं ड्राइवर अंकल बना। आपके सिवा अब कोई आसरा भी तो नहीं है? लेकिन आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है। तो फिर बच्चों को आप ही मना लीजिए, मैं हट जाती हूँ। सुनिए तो, बड़ी चालाक है आप। बच्चों को आंटी अच्छी मिली। अंकल भी बुरा नहीं है। खुद सिमट गए फासले, सारे नजारों
रातों में फूलों में तारों में हम नहीं जादू भरा हम जब चले तो ये जहां आरज़ू हमारी आसमां को छूने हम जब चले तो की बात है उम्र देखो जोर मर्दने की और इतने बच्चे जरूर कोई गुण की बात लगे पूछ तो जरा क्या बकती हो भागो यहाँ से बिगड़त का है कोई मेम साहब हम कोई नजर थोड़ी लगाए हैं भगवान करे और दस हो जाए Yeah.
चुप रहूं मैं, जो लागे मोरा भारम ये कैसे कहूं मैं। लगी कैसे? मुझे तो शंकर की हरकत मालूम होती है। ठीक कहते हो तुम, सुबह से शंकर के आदमी दुकान के चक्कर लगा रहे थे। उसने दुकान ही नहीं जलाई बल्कि हमें मिल से हटाकर हमारे पेट पर भी लात मारी है। जब ही तो कल सारे मजदूर स्ट्राइक कर रहे हैं। सुखेन बाबू एक बात पूछूं आपसे, वो लड़की कौन थी जो उस दिन आपसे मिलने आई थी? कल मैंने उसे शंकर के साथ देखा। क्या बात करते हो, वो तो बहुत गरीब लड़की है। उसने झूठ बोला आपसे, वो तो बहुत अमीर मालूम होती है। से तो मैं कल ही मुलाकात करने आया था, किस्मत तुम्हारा साथ दे गई, तुम मिले नहीं। अब भी वक्त है, जिंदा रहना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। शंकर बाबू, जो इंसान अपने हक मांगने की भी हिम्मत नहीं रखता, उसके लिए जिंदगी और मौत में फर्क ही क्या है? हेलो पुलिस इमरजेंसी, मैं देवांश मिल से बोल रही हूँ, यह स्ट्राइक हो गई है। तुम तो अब राय बहादुर अमरनाथ का बेटा गुंडों का सरदार बनकर मुझसे बदला लेने आया है? मुझे नहीं मालूम था गरीबी इंसान को इस कदर गिरा सकती है। गुंडे हम लोग नहीं, गुंडे वो लोग हैं जो सीमेंट में राख मिलाते हैं, नकली दवाएं बनाते हैं। गुंडे वो लोग हैं जो शराब, कपड़ा, अनाज और रुपया स्मगल करते हैं। वो लोग सिर्फ गुंडे ही नहीं बल्कि लुटेरे, शैतान और गद्दार हैं, जो अपने नफे की खातिर हजारों घरों के चूल्हे और चिराग बुझा रहे हैं। सब झूठ है, गलत है। तुम दीवान साहब पर इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकते। इल्जाम तो हमने अंग्रेजों पर भी लगाया था, वो हमारे दुश्मन जरूर थे लेकिन अपनी कौम के लिए गद्दार नहीं थे। शिकवा तो हमें आपसे है, जो आप हिंदुस्तानी होते हुए भी अपने हिंदुस्तान को और अपने हिंदुस्तानी भाइयों को लूट रहे हैं। मैंने आज तक जिंदगी में कोई कदम कानून के खिलाफ नहीं उठाया। बंद करो ये बकवास, चले जाओ यहां से। आज ये इंसान जाने के लिए नहीं, अपना हक मांगने के लिए आए हैं। आपको और शंकर बाबू को यह बताना होगा कि ये वर्कर्स किस कानून की बिना पर निकाले गए हैं। इसलिए कि वो अपने मालिक का नमक खाकर भी वफादार नहीं निकले। आप ये क्यों नहीं कहते कि ये लोग भूखे और गरीब होकर भी गद्दार साबित नहीं हुए? हमने तुमसे देश सेवक नहीं मंगवाए थे। और नौकरी करने का भी ये मतलब नहीं कि इंसान को अपना धर्म और ईमान बेचना पड़े। मैं जानता हूं तुम लोग दंगा फसाद करने पर आमादा हो, इन सबको वापस ले जाओ वरना हमें कानून को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। कानून दौलत का साथ नहीं, इंसाफ का साथ देता है।
कैजुअल वॉर दिस साइड। थैंक यू डॉक्टर। रमा देवी आपसे मिलना चाहती है। रमा देवी आने दीजिए। अब ज्यादा जख्मी तो नहीं हुई। और आप शायद जख्मों पे नमक छिड़कने आई हैं। जी नहीं, मैं तो ये देखने आई हूँ कि आपका बीमार जिंदा है या मर चुका है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जरा अपनी सूरत देखिए, आंखों में किसी के खून के धब्बे भी नजर आएंगे। जी? आप सिर्फ इसलिए मुझे लेकर गई थी कि मेरी दुकान आसानी से जल जाए और चांदी के चंद टुकड़ों के लिए एक गरीब वर्कर की दुकान में दिवाली मनाई जाए। किसी की जान बचाने की अगर यही सजा हो सकती है तो दिल खोल कर मुझे बातें सुनाइए, मगर कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आप कहना नहीं चाहती और मैं सुनना भी नहीं चाहता। आप जा सकती हैं। प्लीज I'm sorry, not now. Please go. Yes, Inspector. You are right. हम वर्कर्स को हर जाना देने को तैयार हैं और उनको नौकरी पर वापस बुला लेंगे। आप इत्मीनान रखिए, उनको किसी किस्म की शिकायत नहीं रहेगी। थैंक यू सर। दूसरे लफ्जों में हमने वर्करों से अपनी शिकस्त मान ली। Am I right, sir? Yes. क्योंकि तुमने मेरी इजाजत के बगैर वर्कर्स को निकाल के उनके साथ ज्यादती की है और पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक ये गुंडे भी सब तुम्हारे ही बुलाए हुए थे। लेकिन ये साबित कौन कर सकता है? मैं साबित कर सकती हूँ। सबसे पहली गवाही मेरी होगी और शायद दूसरी गवाही सुखेन की होगी। By the way, क्या सुखेन को काफी चोट लगी है? वो तो बहादुर है, बच गए। कोई आप जैसा बुजदिल होता तो हड्डियों तक का पता न चलता। मर गए मुझे मारने वाले सुधा देवी। आप बेगरत हैं। मरेंगे जरूर, लेकिन जरा देर से मरेंगे। सुधा, मेरी समझ में नहीं आता तुम हमारे मामले में दखल क्यों दे रही हो। प्लीज गो अवे। बहुत खूब पिताजी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि ये साहब आपकी जिंदगी में मुसीबत जरूर लाने वाले हैं और जब आपकी आंख खुलेगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। Hello, Verma and Company. Good afternoon. Yes. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Hello, Satyan. तुम आज फिर लेट आए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जाता भी जल्दी हूँ। It's a matter of temperament. Satyan, मुझे एक ही चिंता है। अगर काला पानी में काम जम जाए, तो बस एक ही काम रह जाता है। वर्मा नाम की जितने अटर्नी शहर में है उन सबको भर्ती कर अपने कंपनी में नौकर रख लूंगा। क्यों, कैसा आइडिया है? एक सिगरेट पिला यार। मेरे ख्याल में तुम यही प्लान बनाते बनाते रोज लेट हो जाते हो। तुम मत घबराओ, अपने कंपनी में तुमको जनरल मैनेजर बनाएगा। आनंद बाबू, तुमको भी नौकरी चाहिए? ओके। अपनी नौकरी की खैर मनाओ, वर्मा साहब ये तुमको काम दे गए, आते ही पूछेंगे। मुझे काम दिए? क्यों काम दिए? मुझे तो कुछ काम ही नहीं आता, मैं तो हमेशा गलती करता हूँ। वर्मा साहब सबके सामने चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं कहता हूँ वो बुड्ढा हम्बक है। किसे हम्बक कह रहे हो? बुड्ढे को। मेरा मतलब है सर, अपने देश की जितने नौजवान हैं सब हम्बक है। आजकल तुम बातें बहुत जल्दी समझने लगे हो। काम किया? जी, अभी तैयार करता हूँ। सत्यन जरा तुम अंदर आना। क्या बात है सत्यन, आजकल तुम कुछ खोए खोए से नजर आते हो और इरेगुलर भी हो गए। मैं एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश में हूँ, इसी में जरा समय लग जाता है। पार्ट टाइम जॉब क्यों? इम्तिहान के लिए तो आप जानते ही हैं पैसों की जरूरत होती है, इसलिए। डोंट बी अ चाइल्ड सत्यन, तुम अपना काम ईमानदारी से किए जाओ। दैट्स व्हाट आई विल सी कि तुम ड्यू कोर्स में अटॉर्नी बन जाओ। और हाँ, ऑफिस का काम पूरा करके तुम कोई पार्ट टाइम जॉब कर सको तो मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है। आई थिंक इट मे बी गुड फॉर योर फैमिली एट दिस स्टेज। थैंक यू सर, इट्स रियली वेरी काइंड ऑफ यू। और ख्याल रहे, मुझे तुम्हारा यह दुखी चेहरा अच्छा नहीं लगता। बंसे, बंसे, रात के 10 बज गए अभी तक सुखेन घर नहीं पहुंचा। बंसे, ए रफी, क्या बात हो गई सरकार?
सुखेन कहाँ है? कौन? बड़े भैया, वो तो अभी तक नहीं लौटे मालिक। नहीं लौटे? क्यों नहीं लौटे? इतना क्या काम? मैं कहता हूँ रात के 10 बजे तक क्या काम है? तुम इतनी जल्दी परेशान क्यों होते हो? क्या हुआ? तुम नहीं समझती सावित्री, ये बहुत बुरी बात है। हम लोगों के लिए सुखेन रुपए उधार लेकर खर्च में डूब जाए, ये मैं नहीं होने दूंगा। कितने सवेरे घर से निकल जाता है, इतनी रात तक घर नहीं लौटता, क्या सेहत के लिए ठीक है? क्या अच्छी बात है? अच्छा अच्छा, आज सुखेन जब घर लौटेगा तो उसे डांट देगा। जरूर डांटूंगा। तुम क्या सोचते हो? नहीं डांटूंगा, आने तो दो उसे, देखो किस तरह खबर देता। मैं सब समझता हूं, वो लेता उसे छिपता बैठा। भैया बड़े सरकार बुला रहे हैं। मगर इसका यह मतलब नहीं कि वो मेरी आंखों के सामने बिगड़ जाए। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। हाँ पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ? नहीं तो। वाह, बुलाया नहीं था तो घर को क्यों सर पे उठा रखा था? अब डांटो ना। हाँ हाँ, सुखेन कई दिन से मैं देख रहा हूँ लेनदार तुमसे मिलने आते हैं, वो लोग आज मुझसे ही मिले थे। क्या तुमने बहुत कर्ज ले लिया? थोड़ा सा लिया था पिताजी, लेकिन उनको आपके पास लेकर कौन आया? बंसी? अच्छा माँ, इस घर में कोई समय से काम नहीं लेता, पिताजी बीमार हैं और इनके सामने ऐसे झमेले क्यों लाए जाते हैं? बेटा वो नहीं पिताजी, आज मैं सबसे पूछ के रहूंगा। बंसी, बंसी! नहीं बेटा, मत डांटो किसी को, इनकी कोई गलती नहीं, मैंने खुद उनको बुलाया। आपने ठीक नहीं किया पिताजी, जब आपको मालूम है कि आपकी सेहत खराब है तो फिर क्यों हमारे दिलों से खेलते हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं जानता हूं तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगे। जाओ मुंह धो के खाना खा लो, देखो तो क्या हालत बना रखी है अपनी। तुम बेकार ही इतना शोर मचाने लगते हो। अच्छा, मैंने बहुत शोर मचाया था ना? अभी तुम बोले ही कहां थे। अरे हाँ, एक बात तो कहना ही भूल गया। क्या? तेरे लिए एक वीकली पेपर में पार्ट टाइम जॉब का इंतजाम किया है, रात को 4 घंटे काम करना होगा, करेगा? कर लूंगा भैया। गुड, आज सैटरडे है, छुट्टी जल्दी हो जाएगी। ठीक 3 बजे मैं तुम्हारे दफ्तर के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा तू जल्दी तैयार हो जा, मैं भी आता हूँ। अच्छा। देखो भैया, तुम आज फिर बर्गर खाए भागे जा रहे हो ना भैया? कहाँ, तेरे पास तो आ रहा था, ले खिला। देख सुजाता, तेरे लिए क्या लाया हूँ। हम हिंदुस्तानी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। पढ़ चुकी है? तुम्हें नहीं मालूम भैया, ये किताब बहुत मशहूर हो चुकी है, कितना अच्छा लिखा है लेखक ने, मेरी तो सब सहेलियां भी पढ़ चुकी हैं। लो लस्सी पियो। एक बात अजीब है, राइटर ने अपना नाम ही नहीं दिया, सिर्फ पैथिक लिख दिया। मेरा ख्याल है उसे नाम ना देने का जरूर अफसोस हुआ होगा। तू नहीं जानती, उसने नाम के लिए नहीं पैसे के लिए किताब लिखी थी। तो क्या तुम इसे जानते हो भैया? और नहीं तो क्या? अब समझी क्यों इस किताब की हमारे घर से बहुत कुछ बातें मिलती जुलती हैं। जरूर तुमने उसे बताया होगा। अच्छा भैया, हमारी सहेलियों से मिलाओ ना उसे। तुम तो ऐसे चौक पड़े जैसे तुम ही इस किताब के लेखक हो। अरे पगली, जिसने अपना नाम तक नहीं देना चाहा, भला वो तुम्हारी सहेलियों की तारीफ सुनने आएगा? ये ले। अरे भैया कहाँ चले, अरे इसे पूरा खत्म करके तो जाओ। ये रुक रुक कर क्यों लिख रहे हो? वो लॉ पॉइंट समझ में आ गया है ना? जी 100% समझ में आ गया है। कुछ समझ में नहीं आया, बेकार में इंटेलिजेंट बनने की कोशिश में रहते हो। तुम ये लॉ बुक खोल कर देख लो, फिर ड्राफ्ट लिखना। सत्यन, मैंने तुम्हें ऑफिस के बाहर ही रोक रखा है, एक बहुत जरूरी काम है, उसके लिए मैं आनंद पर भरोसा नहीं कर सकता। हमारे क्लाइंट शिवदास जी राठी आ रहे हैं, उन्हें रुपयों की सख्त जरूरत है, इसलिए चेक न देकर कैश ही देना होगा। अलमारी की चाबी तुम्हारे पास है ना? जी हाँ, मेरे पास है। कौन? देखो शायद वो आ गए। आपके क्लाइंट तो नहीं, मेरे भैया है, मैं भी आता हूँ।
सत्यन, मैं कब से नीचे खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम अभी तक यही हो। चलो चलें। मिस्टर वर्मा ने मुझे एक जरूरी काम के लिए रोक लिया है, शायद अभी हो जाएगा, तुम जरा बैठो। 7, 8, 9, 10 ये 10,000 है, शिवदास जी आए तो उन्हें दे देना और स्टैंप रिसीव जरूर ले लेना, तो संभाल कर रखना। रुपया गिना नहीं जी, आपने तो गिना है। अच्छा तो अब मैं और नहीं ठहर सकता, तुम ये काम करके ही घर जाना। ये तो शिवदास की गाड़ी मालूम होती है। यस सर, ये तो शिवदास की गाड़ी है, डेफिनेटली शिवदास की गाड़ी है। ए शिव, हाँ मुझे भी जाना चाहिए। क्या बात है सतीन, मिस्टर वर्मा इतने घबरा कर क्यों भागे? हम लोग अपने क्लाइंट का इंतजार कर रहे थे, लगता है उन्हीं का एक्सीडेंट हो गया। सचिन, वर्मा साहब तुझे नीचे बुला रहे हैं, मुझसे कहा यहाँ बैठने के लिए, जल्दी जा। मेरा जरा ख्याल रखना, मैं आ गया। ओ सुखीन बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे ये वैसा ना। मैं जरा नीचे हुआ, क्या वंडरफुल एक्शन हुआ है। देखो सत्यन, शिवदास जी को बहुत चोट आई है, मैं उन्हें अस्पताल ले जाता हूँ, रुपए तुम अपने पास ही रखो, बाकी इंतजाम सुबह कर लेंगे सोमवार को। तुम कहाँ रहे? सर ऐसे मौके में मुझे आपके साथ रहना चाहिए। क्या हुआ? चलो अब चलेंगे। हाँ हाँ जल्दी चलो, उन लोगों को 3 बजे का अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। चाबी देखा, चाबी यही रह गई थी, शुक्र है भगवान का कि तुम यही थे। मैं कोर्ट में खड़ा होकर क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगा? मुझे मालूम तक नहीं, मेरे नाम पर 3-4 बोगस कंपनियां भी फ्लोट हो चुकी हैं। बोगस कंपनीज? ये नामुमकिन है सर। नामुमकिन से तुम्हारा क्या मतलब है? और आज जो पुलिस ने मेरे ट्रक्स में से शराब पकड़ी है, उसकी मेरे पास क्या सफाई है? मुझे ये पता लगाना ही होगा कि किस बदमाश ने ये हरकतें की हैं। सर ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उस बदमाश को पकड़ूंगा, मैं देखता हूं मेरे हाथों से बचकर कैसे जाता है। तीन कमीज, 2 बंडी और 1 जोड़ी मोजे, और ये 1 गंदा रुमाल सत्यन भैया का। सब कपड़े धोकर रस्सी पर डाल देना, सवेरे तक सूख जाएंगे। बहुत अच्छा। सत्यन, माँ को प्रणाम करो। क्यों बेटा, कहीं जा रहे हो? मुझे आशीर्वाद दो माँ, भैया ने मुझे नौकरी दिला दी है, रात को सिर्फ 4 घंटे काम करना होगा और 200 रुपए मिलेंगे। 200? सच है सुखेन? हाँ माँ। सत्यन भैया, बंसी अभी ये कपड़े लॉन्ड्री में जाएंगे, भैया को नौकरी लग गई है ना। अरे तू कहाँ जा रही है? माँ पिताजी को खबर नहीं दू क्या? और भी खुशखबरी है माँ। क्या बेटा? सतिन, माँ को ये पहना दो। हाँ? ये क्या? ये तो मेरा हार है जो गिरवी पड़ा था। हाँ माँ, सिर्फ हार ही नहीं, सारे जेवरात छोड़ा लाया हूँ। ये लो मेरी चूड़ियाँ। और ये
मेरे कंगन। और ये मेरे सुहाग का टीका। मेरे असली जेवर तो तुम लोग हो बेटा। मगर ये जेवर छुड़ाने से पहले कई और जरूरी काम थे। वो सब काम मैंने कर लिए हैं माँ। ये लो 1000 रुपए पिताजी की हवा बदली के लिए। मगर बेटा वो सेठ फकीरचंद और अमीचंद का कर्जा भी बाकी है, अभी हवा बदली कैसे? तुम फिक्र मत करो माँ, उन लुटेरों का बंदोबस्त भी मैंने कर लिया है। सुनो सतीन, मैं कल सवेरे पिताजी के बाहर जाने की तैयारी में लगा रहूंगा, तुम ये 3000 रुपए सेठ अमीरचंद की गद्दी पे दे आना। क्यों? सेठ अमीरचंद की गद्दी नहीं जानते? हाँ हाँ जानता हूँ। और देखो उनसे रसीद जरूर ले आना। अच्छा माँ तुम अगले हफ्ते जाने की तैयारी करो। अगले हफ्ते? मैं तो अगले महीने तक नहीं जा सकती बेटा। क्यों? क्या बिस्तर बांधने में कोई देर लगती है? बिस्तर बांधने में तो नहीं, लेकिन लगन बांधने में जरूर देर लगती है। लगन? किसका लगन? सत्यन का। अच्छा तो फिर इस दिवाली के दिन लक्ष्मी सचमुच हमारे घर में होगी। मगर माँ ये सब कुछ एक साथ, मेरा मतलब है ये शादी कैसे हो सकती है? क्यों? नौकरी मिल गई, कर्जा उतर गया, अब तेरी शादी क्यों नहीं हो सकती? मगर तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? तेरी शादी की फिक्र हमको होगी, माँ को होगी, तुझे क्यों? चल जाकर काम कर। मगर बेटा मैं तो तुझे पूछने भूल गई, ये ढेर सारा रुपया तू लाया कहाँ से? डाका डाला है माँ, डाका। यकीन ना आए तो सतीन से पूछ लो। चल पगला कहीं का, चल। आप भी अजीब किस्म के आदमी हैं सुखेन बाबू। जिस लड़की ने आपकी जान बचाई उसी की जान से खेलना शुरू कर दिया आपने। सुखेन बाबू अगर सुधा देवी न होती तो आप गंगा घाट में तैरते नजर आते। अपनी कसम मौत के मुंह से खींच कर ले आई है आपको। मैं मर जाना पसंद करता हूँ, लेकिन ये सहन नहीं कर सकता कि कोई मुझे धोखा दे। वो गरीब बनकर मुझसे मिलने के लिए आई और मेरी गरीबी से मासूम बनकर खेलती रही। अजीब बदमजाक आदमी हैं आप। भाई साहब अगर वो ये सब कुछ नहीं करती तो मोहब्बत परवान कैसे चढ़ती? माफ करना मैं तो समझा था कि आप बे ऑफ बंगाल है, लेकिन सहारा डेजर्ट निकले आप। और शायद आपको ये नहीं मालूम कि वो लड़की है कौन। और मैं सुनना भी नहीं चाहता। और हम कहना भी नहीं चाहते कि वो लड़की दीवान साहब की बेटी सुधा है। अरे मैंने तो बोल दिया। कोई बात नहीं, दीवान साहब की बेटी नीचे खड़ी है। Yeah.
के ना सामने हम कह रहे हैं दूर से हो गए हम दिल के हाथों अब तो कुछ मजबूर से माजी मेरी किस्मत के जी चाहे जहाँ ले चल जी चाहे जहाँ ले चल जी चाहे जहाँ ले चल चाहे आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? I mean in time. आज आप जल्दी आने वाले थे ना, इसलिए सर। तुम्हें किसने बताया? सैटरडे को हॉस्पिटल जाते हुए आप ही ने तो जिक्र किया था। Oh, you are getting smart. अच्छा देखो एक 10,000 की स्टैंप रिसीट तैयार रखो। और हो आप आ गए? आइए, जल्दी करना। आइए अंदर। शिवदास जी का क्या हाल है? डॉक्टर कहता था उनको अभी कुछ दिन अस्पताल में और आना पड़ेगा। कुछ दिन अस्पताल में और रहना पड़ेगा? जी हाँ। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था। खैर शुक्र है भगवान का, जान तो बच गई। अरे आनंद, लाइफ सुधरने की सोच ली क्या? नो वंडर, तो दूसरा ही ताज बन जाए। अपना ताजमहल तो ग्रैंड पापा के मरने के बाद ही बनेगा। अरे क्यों बेचारे के पीछे हाथ धो के पड़े हो? वर्मा सब आ गए क्या? हाँ, वो हम्बग आ गया है। पार्टनर, आज तुम्हें स्मगल मार का पिला है। ये अमेरिकन सिगरेट कहाँ से मारे? भाई शरीफ आदमी हूँ, रोज तुम्हारे सिगरेट पीते हुए शर्म आती थी, सोचा आज हम ही बदला चुका है। आनंद, सत्यन आया हो तो अंदर भेज दो। जा भाई, बुलाता तुझे है और आवाज मुझे देता है। दिन में 20 बार देखता है कि मैं टेबल पे हूं या नहीं। अरे कोई मेरी सुनेगा? ओ जीसस क्राइस्ट, आई वांट छुटकारा फ्रॉम दिस बुड्ढा। उसका एक ही तरीका है, यू कॉल माय ग्रैंडपापा। अरे आनंद बाबू, ये मैं क्या देख रहा हूं, आप क्रॉस? शट अप, नो जो। धर्म के मामले में मैं बिल्कुल सीरियस हो गया हूं। राम और रहीम को पुकारा, नो आंसर। इस प्रार्थना के बाद नाना ने जरा भी पलटा खाया तो अपने होने वाली बच्चे की कसम, अगले साल अपना नाम आनंद नहीं होगा, अल्बर्ट डिसोजा होगा। All right. Oh, not today. Yes, thank you. Good morning, sir. Good morning, Satyan. आप मगनलाल जी? नमस्ते।
इन्हें वो 10,000 रुपया दे दो। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? जी वो रुपया नहीं मिल रहा है। रुपया नहीं मिल रहा? क्या मतलब? रखा कहाँ था? रखा तो यही था, मुझे ठीक याद है। देखो, वेरी स्ट्रेंज। ताला तो ठीक है, इसकी दो ही चाबियां, एक तुम रखते हो, मैं। कोई बाहर का आदमी चुरा तो ऑफिस का ताला तोड़ कर अंदर आता। आनंद, नरीमन, अंदर आओ। सैटरडे को सत्यन ने अलमारी में 10,000 रुपए रखे थे और आज नहीं मिल रहे, कहां जा सकते हैं? मैंने आप लोगों को जवाब देने के लिए बुलाया है। मैं तो सैटरडे को छुट्टी पे था सर। आप जा सकते हैं। अनंत, बंद अलमारी में से रुपए कैसे गायब हो सकते हैं? बंद अलमारी में से रुपए गायब? ये कैसे बता सकता हूं सर? मेरा मतलब, मैं तो यहां था ही नहीं। क्या मतलब? You are present. मेरा मतलब, मैं तो आप ही के साथ चला गया था सर। You remember? आप ही ने मुझे गाड़ी में लिफ्ट दिया था। अच्छा, तुम जा सकते हो। थैंक यू। वेरी स्ट्रेंज, तुमने मेरे सामने रुपया रखकर ताला लगाया और तुम ही कह रहे कि रुपया गायब हो गया। ऐसी हालत में रुपया कौन ले जा सके? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वर्मा साहब। सैटरडे को जब मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, ऑफिस में छुट्टी हो चुकी थी। आनंद सचमुच मेरे साथ चला गया था, उस पर मैं शक नहीं कर सकता। तुम पर मुझे भरोसा है। फिर कौन था? कौन ले जा सकता है? सत्यन, तुम्हारा भाई सुखेन इस कमरे में आया था क्या? भैया नहीं वर्मा साहब, वो इस कमरे में नहीं आया। तो क्या समझू, रुपया तुमने लिया? पर यकीन कीजिए वर्मा साहब, मुझे इतना नीच न समझिए। मुझे तो बेटे तुम पर यकीन है, पर ये काम भी तो किसी ने किया है। तुम्हारा किसी पर भी शक हो तो बोलो। आनंद पर? जी नहीं। तो क्या सुखेन पर? नहीं वर्मा साहब, मुझे अपने भाई पर बिल्कुल शक नहीं। तो फिर पुलिस ही चोर का पता लगाएगी। वर्मा साहब सुनिए प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ, पुलिस को टेलीफोन न कीजिए। क्यों? रुपए जब मैंने आपसे लिए थे, इसे लौटाना मेरी ही जिम्मेदारी है। जैसे भी हो मैं ये रुपए लौटा दूंगा। What nonsense! It's not your fault. तुम समझते नहीं, रुपया वापस मिल जाने से ये सवाल हल नहीं होगा। जिसने मेरे ऑफिस में चोरी की है, मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। सुनिए प्लीज, ऐसा ना कीजिए। अजीब किस्म का बर्ताव कर रहे हो। मेरा ख्याल है मुजरिम कौन है तुम जानते हो, बता दे क्यों नहीं? मैं नहीं जानता, अब यकीन कीजिए मैं नहीं जानता। तो फिर पुलिस को इत्तला करने क्यों नहीं देते? पुलिस को खबर देने से पहले मैं खुद ही ये जांच करना चाहता हूँ। बच्चों की सी बातें न करो सर। प्लीज प्लीज वर्मा साहब, एक दिन ही सही। ऑल राइट, लेकिन जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं। अजी वो तो आपके साथ ही गिन लिए थे। हैं? कमाल है, बड़े होशियार हैं आप। अजी होशियारी की कुछ आदत सी पड़ गई है। अच्छा भैया जी, अब चलता हूँ। अच्छा। फिर मिलेंगे। पर अब मिलेंगे कैसे? क्यों? आपने तो हमारे मिलने का रास्ता ही बंद कर दिया, सब हिसाब चुकता कर दिया। अब किस बहाने आपके दर्शन करेंगे? किसी दिन घर पे चाय पे बुलाइएगा। नहीं नहीं, महंगा पड़ेगा, रास्ते ही मिलेंगे कभी। अच्छा, जय जय, नमस्ते, जय जय। ये सेठ लोग पैसे के कितने पक्के होते हैं। सतीन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, लेकिन तुम तो बीमारों की तरह दिख रहे हो। भैया क्या बात है, बताते क्यों नहीं? हमारे ऑफिस में से 10,000 रुपए चोरी हो गए। 10,000? लेकिन तुम क्यों उतना घबराए हुए हो? तुम्हें क्या?
उस दिन मेरे और आनंद के सिवाय ऑफिस में कोई नहीं था। ओ, तो वर्मा साहब तुम दोनों पर शक कर रहे हैं? आनंद पर नहीं, सिर्फ तुम पर। उनका ख्याल है मेरे ही किसी जान पहचान वाले ने लिया है, और मैंने खुद ही उसकी तहकीकात के लिए एक दिन की मोहलत ली है। तुम्हारा किसी पर शक है क्या? चुप क्यों? भैया, वर्मा साहब ने पुलिस को इत्तला देने के लिए दो दफे टेलीफोन उठाया था, मैंने उन्हें रोक लिया है। मैंने उन्हें पुलिस को खबर नहीं देने दी। यू इडियट फूल, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा क्या मतलब था उन्हें इस तहकीकात से रोकने का? भैया, मैं नहीं चाहता था। मेरी समझ में नहीं आता, तुम कोई डिटेक्टिव हो या पुलिस इंस्पेक्टर? किस मामले की तहकीकात खुद करना चाहते थे? ये मेरा विश्वास था। मेरा ख्याल था चोर मुझे इस हालत में देख के जरूर पैसा लौटा देगा। चोर पैसा लौटा देगा? ये ख्याल किस बेवकूफ और जाहिल ने तुम्हारे दिमाग में डाला है? अगर उसे तुम्हारे साथ जरा भी हमदर्दी होती तो वो चुराता ही क्यों? कुछ भी हो, मैंने ऐसा सोचा था, मुझे उस पर विश्वास था, मगर अब। कहाँ जा रहे हो? ठहरो, छोड़ दो मुझे। मैं कहता मुझे छोड़ दो, मैं इडियट हूँ, फूल हूँ, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया ये तुम नहीं समझना चाहते, तो मैं क्या करूं? सतिन, सुनो सतिन, सतिन, चोर, भैया चोर, नहीं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। सोच नहीं सकती, लेकिन 250 रुपए कमाने वाला आदमी एक साथ 6000 का कर्जा उतार सकता है, बाप को इलाज के लिए पहाड़ पर भेज सकता है, माँ के गहने वापस ला सकता है, घर का ठाट भाट उसी तरह रखता है, और वो सिर्फ 250 रुपए में। रुपए के लिए इंसान क्या कर सकता है ये तो नहीं जानती। सतीन भैया, तुम ये बात किसी से मत कह। तुम क्या समझती कि मैं कहना चाहता हूँ? मैं तो किसी से कुछ नहीं कहना चाहता, मगर कि अपने आप को इस झूठे इल्जाम से बचाने के लिए मैं कुछ ना कहूँ। अपने आप को झूठे इल्जाम से बचाने के लिए तुम घर भर को बर्बाद कर दोगे? सोचो तो, भैया पे इस घर का कितना भार है, और उसके बोझ तले उनकी क्या हालत है, किस तरह वो खुद एक फटी हुई बनियान और टूटी हुई चप्पल में घूमते हैं, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं होने देते। क्या ऐसा आदमी कभी चोर हो सकता है? पैसा चुराने वाला इंसान तो खुद मजे करता है, गरीब बनकर नहीं घूमता। तो क्या मैं चोर हूं? ये तो मैं एक मिनट के लिए भी नहीं सोच सकती, लेकिन तुम जो सोचते हो वो भी तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, और इस भूल को लेकर अगर तुमने दुनिया के सामने या माँ और पिताजी के सामने भैया पे कोई भी इल्जाम रखा तो याद रखना, इस घर की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारे घर पर पुलिस आई है। पुलिस कहाँ? नीचे। सुन, चिल्लाना मत, समझा? अब क्या होगा? आहिस्ता सुजाता, पिताजी को पता न चले। पिताजी, पिताजी, पुलिस आई है। मैं आपकी जिम्मेदारी समझता हूँ, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, वो आप लोगों को देखेंगे तो और भी घबरा जाएंगे। आप जरा बाहर ठहरिए, मैं अभी सतिन को लेकर आता हूँ। जरूर कुछ हुआ है, मैं कहता हूँ जरूर कुछ हुआ है, किसी ने कोई गलती जरूर की है, पर पुलिस मेरे घर में क्यों आती? तुम सब उसे कुछ छुपा रहे हो, जरूर छुपा रहे हो। सुगैन, सुगैन, क्या बात है, मेरे घर में पुलिस क्यों आई? जी वो सतिन के ऑफिस के सामने एक एक्सीडेंट हो गया था, उसी के बारे में पुलिस कुछ पूछने आई थी। ओ, ये बात, अभी तो मैं कहूं मेरे लड़के कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते जिसे पुलिस मेरे घर में आए। अकेले बूटा इस हम्बा कितना चालाक है, छोटी सी बात में पुलिस को बुला के मामला कितना संगीन कर लिया। मैं मानू कि तुमने अपनी जरूरत के लिए रुपया ले भी लिया हो। क्या मतलब रुपया ले भी लिया हो? भाई तुम्हारे लिए थोड़ी कह रहा हूँ मैं, I'm talking about the thief। किसी ने भी रुपया लिया भी हो, अब वो लाख लौटाने की कोशिश करे
नहीं लौटा सकता ना? मुझे नहीं मालूम। सचिन तुम नाराज क्यों होती हो? तुम मेरे दोस्त हो, देखना एक दिन इस बुड्ढे को ऐसा फ्लोर करूंगा, ऐसा फ्लोर करूंगा, तुम भी याद रखोगे। अच्छा, तो इसी इरादे से शायद तुमने पुलिस में रिपोर्ट किया है? भाई वो तो हम सबकी बेगुनाही साबित करने के लिए, मैंने सोचा कि बुड्ढा वो कल करने वाला है वो मैं आज करूं। चुप रहो। मैंने सफाई नहीं मांगी, छुटे कहीं के। सत्यन, सत्यन तुम मुझे गलत समझ रहे हो, देख लेना कोर्ट में इस बुड्ढे को ऐसा नचाऊंगा, ऐसा नचाऊंगा। सत्यन मुलजिम सत्यनाथ, तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है, क्या तुम जुर्म का इकबाल करते हो? योर ऑनर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैंने रुपए नहीं चुराए। मिस्टर नॉरीमन, आप मुलजिम सत्यनाथ को कितने अरसे से जानते हो? 3 साल से सर। इस चोरी के कुछ ही अरसा पहले मुलजिम ने अटॉर्नी होने की उम्मीद छोड़ दी थी, आप इसका सबब जानते हैं? जी हाँ सर, प्रॉपर्टी केस हारने के बाद इनके घर की माली हालत ठीक नहीं रही थी। और जितने रुपए चुराए गए हैं क्या उनसे मुलजिम की फीस अदा हो सकती थी? जी जी हाँ सर। थैंक यू मिस्टर नॉरीमन। योर ऑनर, मुझे और कुछ नहीं पूछना। आपका नाम? जी मेरा नाम अमीर चंद है, मेरे पिताजी का नाम दौलत चंद था, हम लोग राजा हरिश्चंद्र के वंश के हैं। दान पुण्य अपना धर्म है और झूठ बोलना तो हमारे वंश में महापाप है जी। आपको यहाँ आपके वंश की हिस्ट्री पूछने के लिए नहीं बुलाया गया। बड़े सरकार, आप तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, हम तो आपको अपना समझते हैं, नहीं तो कौन किसी को अपने घर की बात कहता है? मिस्टर अमीर चंद, मैं जो पूछूं उसका जवाब दीजिए, समझे आप? सत्यन बाबू ने आपको रुपया दिया था या नहीं? हजूर, ये इस तरह डांटते रहेंगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। घबराइए नहीं, सच बात तो ये है कि 3,000 रुपए सत्यन बाबू ने मुझे दिए थे, और मुझे हजूर ये अच्छी तरह मालूम है कि ये रुपए सुखियन बाबू ने भिजवाए थे। योर ऑनर, प्लीज नोट दिस पॉइंट, अमीर चंद जी का कहना है मिस्टर सुखेन ने उन्हें रुपए भेजे। मिस्टर अमीर चंद, ये सत्यन बाबू से रुपए आपको किस दिन मिला? ये शायद रविवार था बड़े सरकार। रविवार? जी। योर ऑनर प्लीज नोट, रविवार को मिस्टर अमीर चंद को रुपया दिए गए, और उसके एक दिन पहले शनिवार को रुपया चोरी हुआ था। दैट्स ऑल, नो मोर क्वेश्चन। सुखेन बाबू से आपको रुपया किस दिन मिला था? सोमवार का दिन था। सोमवार का दिन था, उस समय सुखेन बाबू के ऑफिस में और कोई था? हाँ हाँ सरकार, थे, ये थे। योर ऑनर प्लीज नोट दिस पॉइंट, मुल्जिम उस वक्त वहीं मौजूद था। उस वक्त मुल्जिम किस हालत में था? मैंने ठीक से देखा नहीं था सरकार, क्योंकि मेरा बाप हमेशा यही कहा करता था कि बेटा जब जेब में रुपए पैसे हो तो जेब पर ही नजर रखना, इधर उधर कभी मत देखना। आप तो सब बातें भूल जाते हैं, ये कैसे याद रहा आपको? रुपए पैसे की बात जो ठहरी सरकार, आप जो भी कहें वर्मा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि सत्यन जरूर इस चोरी में शामिल है। इस खबर को सुनकर न जाने मेरी बेटी का क्या हाल होगा। सत्यन भैया, तुम पिताजी के सामने मत जाना। उनको कैसे पता चला? कल्पना के पिताजी आए थे, वो मंगनी तोड़ गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। जी, इस तरह दुखी नहीं होते बेटा। आज तक जिंदगी में मैंने किसी के सामने अपना सर नीचे नहीं किया, ये सत्य ने मेरी कमर तोड़ दी है, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? आप तो ऐसे ही दुखी हो रहे हैं पिताजी, सत्य ने कुछ नहीं किया, वो तो सब लोग झूठा शक कर रहे हैं उस पर। माँ,
क्यों इस दिन के लिए जिंदा रहे? इससे पहले मर क्यों नहीं गए? माँ, मुझे माँ कहकर मत पुकारो। तुम जरूर मेरी कोख से पैदा हुए हो, तुम्हें मैंने दूध पिलाया है, लेकिन इसके लिए मैं भगवान से माफी चाहती हूँ। माँ, मैं तुमसे क्या कहूँ? माँ, अब तुम क्या कहोगे? खानदान की इज्जत लेकर माँ का गुरु तोड़कर अब तुम क्या कहोगे? माँ, योर ऑनर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ सच्चन जैसा सच्चा साधु और ईमानदार आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। योर ऑनर, उसके लिए चोरी करना नामुमकिन है, और अगर वो रुपए सचमुच चोरी हुए हैं। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। आप क्या उठपटांग बोल रहे हैं, ये भी समझते हैं? रुपया चोरी हुआ है, इसमें आपको शक है? जी हाँ, मेरे कहने का बिल्कुल यही मतलब था। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि अटॉर्नी वर्मा का 10,000 की चोरी का बयान बिल्कुल मनगढ़ंत है? बयान उन्होंने नहीं दिया, रिपोर्ट तो मैंने लिखवाई थी, और चार्जशीट आप लोगों ने, मेरा मतलब है पुलिस ने तैयार की। योर ऑनर, इसमें एक बहुत बड़ी भूल हुई है। आप क्या फिजूल की बातें करने के लिए कोर्ट में आए हैं? योर ऑनर, मेरे लर्नर्ड फ्रेंड के इस बात पर मेरा इतराज है। हमारे काबिल दोस्त का ये ख्याल है कि केस को इस तरह उलझुल शक्ल देके अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित कर लेंगे। आपका गवाह अगर कोर्ट में खड़ा होकर सच बोलना चाहे तो उसे रोकने का आपको कोई हक नहीं। The point is simply and absolutely relevant. No, it is not relevant. He's a hostile witness. Your Honor. आप कहिए क्या कहना चाहती? Thank you, Your Honor. मैं ये कह रहा था, जिस दिन चोरी हुई, मेरा मतलब है जिस वक्त सबका ख्याल है कि रुपया गायब हुआ, उस वक्त हमारे ऑफिस के नीचे एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। हमारे ऑफिस के क्लाइंट मिस्टर शिवदास जी वर्मा साहब की आंखों के सामने बुरी तरह जख्मी हुए थे। इस गड़बड़ में, आई मीन पैनिक की हालत में, मिस्टर वर्मा ने सत्यन को रुपया दिया या देते देते अपने जेब में रख लिया। योर ऑनर, ये भी हो सकता है कि इतनी भीड़ में नीचे मिस्टर वर्मा के जेब में से किसी ने रुपया गायब कर दिए हो। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। इन्हें कहने दीजिए। अगर सत्यन ने रुपया लिया भी हो तो उसने सेफ में रखा या नहीं, या वहीं मेज पे रह गया, ये वो भूल सकता है। योर ऑनर, क्योंकि उस वक्त हम सब शिवदास जी की जान बचाने के लिए सब नीचे भागे थे। योर ऑनर, मेरी यही इल्तिजा है कि उस दिन का माहौल सामने रखकर ही आप अपना फैसला दें। थैंक यू। मिस्टर वर्मा, मुल्जिम ने बहुत दिनों तक आपके मातहत काम किया है और आप उसे चाहते भी बहुत थे, इसलिए मुल्जिम पर आपका रहमदिल होना कुदरती है। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, कोर्ट में खड़े होकर आपने सच बोलने की सौगंध खाई है। मुझे उम्मीद है आप जैसे आदरणीय इस प्रतिज्ञा की मर्यादा रखेंगे। मैं दोबारा अर्ज करता हूं कि मैं अपने अजीज दोस्त शिवदास जी की दुर्घटना से बहुत घबरा गया था, इसलिए उस वक्त मुझे रुपयों की बात याद नहीं रही थी। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी रकम को आप इतनी आसानी से भूल गए? अगर आप उस वक्त मेरी जगह होते तो शायद इससे भी दुगनी रकम भूल जाते। मुकदमे की कार्रवाई और गवाहों के बयानात पर गौर करने के बाद मैं मुल्जिम सत्येंद्रनाथ को बाइज्जत रिहा करता हूं। और पुलिस के इस रवैये पर कि उसने काफी सबूत न होते हुए एक शरीफ आदमी पर चोरी का इल्जाम लगाया, मैं नापसंदीदगी का इजहार करता हूं। सत्यन वर्मा साहब का पुराना मुलाजिम है, इसलिए उन्होंने रहम खाकर उसे बचा लिया। सत्यन, सत्यन, क्यों? मैं कहा था ना दोस्त हूं, यारी निभाऊंगा। अनम बेवफा नहीं हो सकता। ओ मिस्टर वर्मा, नमस्ते। नमस्ते सत्यन, प्रणाम करो। सच की मर्यादा के लिए आपने एक बेगुनाह को बचाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस धन्यवाद का मुझे कोई हक नहीं। सत्यन, तुम मुझे ऑफिस में मिलकर जाना। देख सुजाता, तुम पिताजी को ये खुशखबरी सुना देना, और मुझे जरा काम है, मैं थोड़ी देर से आऊंगा। हैं, चोर सत्यन नहीं, सुखेन है। झूठ। जिस दिन ये चोरी हुई थी उस दिन सुखेन वर्मा साहब के ऑफिस में मौजूद था, और ये बात अदालत से छुपाई गई है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं भी सुखेन बाबू को टेलीफोन करके पूछती हूँ, अभी फैसला हो जाएगा। फैसला हो चुका है,
मुझे पता चल गया है कि मेरे ट्रक्स में शराब कौन स्मगल करता था, नकली दवाइयां कौन बनाता था, सीमेंट में राख कौन मिक्स करता था। मैं जानना चाहता हूं कि नेशनल सीमेंट कंपनी, साइंटिफिक ड्रग कंपनी, इंडियन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, जिन पर पुलिस ने चीटिंग का इल्जाम लगाया है, ये कंपनियां कब बनी थी और इनके डॉक्यूमेंट्स मैंने कब साइन किए थे? आप साइन करके भूल जाते हैं दीवान साहब। बेईमान, नमक हराम, गेट आउट ऑफ माय हाउस। जस्ट अ मोमेंट। सब डॉक्यूमेंट्स, सब साइन पेपर्स मेरे पास मौजूद हैं। अब आपके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ जल्द कर दीजिए। आई एम गोइंग नाउ। वन मोर थिंग, अगर मेरी मदद की कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लीजिएगा। बाय। मैं शुरू से ही भूल करता आया हूं। अब मैं अमरनाथ जी के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा बेटी? पिताजी, हिम्मत ना हारिए। क्या हुआ, क्या फैसला हुआ बेटी? क्या सत्य बेगुनाह साबित नहीं हुआ? छोटे भैया को अदालत में बेगुनाह तो साबित कर दिया है ना, लेकिन सब कहते हैं कि वर्मा जी ने हमारे खानदान पर रहम किया। नहीं नहीं, ये सब बकवास है। मुझे किसी का रहम नहीं चाहिए, मेरे खानदान को किसी का रहम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपने मुझे बुलाया था? सत्यन, गीता हाथ में रखकर भी मैं तुम्हें छुड़ा लाया हूँ। उम्मीद है कि तुम अपने इस पाप का पश्चाताप जरूर करोगे। क्या आप सचमुच यही यकीन करते कि मैं चोर हूँ? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं ऐसा नहीं समझता, लेकिन जो आदमी चोर को बचाने के लिए जानबूझकर खामोशी अख्तियार कर लेता है, उसका गुनाह भी चोर के गुनाह से कम नहीं। लेकिन वर्मा साहब, मेरा तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा था, अब वो विश्वास नहीं रहा। इस हालत में मैं तुम्हें ऑफिस में नहीं रख सकता, तुम जा सकते हो। सत्यन, छोड़ मुझे। मिस्टर वर्मा, मैंने कितनी बार आपसे कहा कि सत्यन चोर नहीं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता। मैं आपको आखिरी बार चांस देता हूं, उसे बुला लीजिए, नहीं तो मैं भी चला जाऊंगा। ऑलराइट, गेट आउट। अच्छी बात है। कल्पना, कल्पना, नमस्ते। अब यहां किस लिए आए हो? मैं कल्पना से मिलने आया हूं। मुलाकात नहीं होगी। क्यों? जिस आदमी पर चोरी के अपराध का इल्जाम लग चुका है, उसके साथ मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं। ये बात मैंने तुम्हारे पिताजी से भी कह दी है। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं, मुझे अदालत ने बाइज्जत इस इल्जाम से रिहा किया है। वो मिस्टर वर्मा की दया से समाज की आंखों में तुम अब भी हीन हो। अगर ऐसा ही है तो आपकी बेटी भी इस इल्जाम की हिस्सेदार। नहीं, उस दिन जब मैंने आपकी बेटी को दोबारा सोचने का मौका दिया था, उस वक्त आप ही ने कहा था लड़कियों का दिल बिकाऊ नहीं होता, वो एक ही बार मन से रिश्ता जोड़ती है। मेरी राय बदल गई है, जहां श्रद्धा नहीं वहां प्यार भी नहीं हो सकता। ये आपकी राय है, आपकी लड़की के मन में शायद अभी मेरे लिए श्रद्धा है। कल्पना मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को तुमसे ज्यादा जानता हूँ, वो कभी एक चोर से रिश्ता नहीं जोड़ेगी। ये आपकी लड़की खड़ी है, अब पूछिए मेरे लिए इसके मन में इज्जत है या नहीं। तुम्हें जो बात इससे पूछना है मुझसे सुनो। जिस सत्यन से कल्पना प्यार करती थी, वो सत्यन अब जिंदा नहीं है, मर चुका है। तुम जैसे चोर से मेरी बेटी नफरत करती है। नफरत करती है? हाँ, नफरत करती है। नहीं पिताजी। कल्पना, तुम बताओ क्या मैं चोर हूँ? तुम चोर हो, लोग तुम्हें चोर समझते हैं। लोग मुझे चोर समझते हैं, तुम क्या समझती हो? क्या मैं चोर हूँ? कल्पना, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। सत्यन, Thank you.
सचिन भैया, क्या बात है सचिन? माँ कहाँ है? पिताजी को दवा पिला रही है। माँ, 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 तुम बताओ माँ, क्या मैं चोर हूँ? बोलो ना माँ, क्या मैं चोर हूँ? बोलो ना माँ, तुम चुप क्यों हो? क्या मैं चोर हूँ? भगवान तुझे माफ कर दे बेटा। तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? तब कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्यों? लेकिन क्यों? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों मैं दूसरे का इल्जाम अपने ऊपर लूं? क्यों मैं परिवार की भलाई के लिए सच नहीं कह सकता? सत्यन भैया, मुझे परिवार की भलाई नहीं चाहिए, दूसरे के चैन के लिए मैं झूठा इल्जाम नहीं लूंगा। सत्यन भैया, छोड़ दो मुझे। सुनो मां, मैं चोर नहीं हूं। जिसको बचाने के लिए इल्जाम मैंने अपने ऊपर लिया है वो चोर भैया है। खामोश। नहीं, चुप रहो। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मेरी बात का आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन 250 रुपए में इतने बड़े घर का खर्च चल सकता है, इस पर यकीन कर लिया। सत्यन, उन्हीं 250 रुपए में इलाज के 1000 रुपए आ गए, तुम्हारे गहने वापस आ गए, 6000 का कर्जा भी उतर गया, फिर भी तुमने भैया की सच्चाई पर क्यों नहीं शक किया? नहीं शक किया, क्योंकि इस परिवार में कोई भी तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं है। तुम्हें मेरी कमाई पर अगर इतना ही शक था तो मुझे पहले क्यों नहीं पूछा? मां सुनिए पिताजी, दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रातों को जाकर मैंने एक किताब लिखी थी जो हम हिंदुस्तानी के नाम से मशहूर हुई, और 3 महीने में इस किताब की 50,000 कापियां बिक चुकी हैं। इसके अलावा मैंने शेयर्स बेचे, किताबें बेची, मजदूर सप्लाई किए, डॉक्स पर काम भी किया, और यहां तक कि लोगों के मन बहलावे के लिए मैंने स्टेज पर खड़े होकर गाना भी गाया। मैं जानता हूं कि इनके लिए तो मेरे मुंह की बात ही काफी है, लेकिन तुम्हें तुम्हें मैं सारे कागजात दिखाऊंगा, पूरा सबूत दूंगा। चलो मेरे साथ। और ये वो किताब जिसे अब तक मुझे 10,000 रुपए मिल चुके हैं, लो देखो। देखते क्यों नहीं? कहां से घर का खर्च चला, कहां से सारा कर्ज उतरा, इलाज के पैसे आए, कहां से मां के गहने लौटे, और तुमने इतनी आसानी से मुझे चोट में लिया। मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की भैया। और इंसान को उसकी गलती की सजा मिलती है। तुमने अपनी बेवकूफी से जो इल्जाम मुझ पर लगाया था उससे तो मैं मुक्त हो गया हूँ, लेकिन अपनी नादानी से तुमने अपने खानदान को जो बेइज्जत किया, माँ बाप के दिल को जो दुख पहुंचाया, अपने बड़े भाई को चोर समझकर जो घर पार किया, उसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। भैया, भैया, छोड़ मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दे, तू नहीं जानती इसने कितना बड़ा अन्याय किया है। मैंने तुझे अब कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी नहीं। तुमने ठीक किया भैया, मेरा बहुत बड़ा कसूर था। भैया
वर्मा साहब आए। सुखेन, सत्यन कहाँ है? सुखनाव, चोर पकड़ा गया है। सुधा और आनंद ने मिलकर चोर का पता लगा लिया है। चोर कौन है? शंकर, मेरा भतीजा। सुधा और आनंद ने शंकर की डायरी से छानबीन करके अमीरचंद से पता लगा लिया है कि मेरे दस्तखत किए हुए नोट उसे शंकर से मिले थे। सत्यन को बुलाओ, जब तक मैं उसे माफी नहीं मांग लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। सत्यन को बुलाओ। सारी दुनिया में मेरी बेइज्जती करके अब आप मेरी बेगुनाही का सबूत लेकर आए? सत्यन, मुझे कहने दो भैया। जिस बदमाश ने मेरी खानदान की जगह सही की, जिसके लिए मैंने अपने देवता जैसे भाई पर शुभ किया, जिसकी वजह से मेरे माता और पिता दुख और दर्द में इतने डूब गए हैं, तुम उनसे बात तक नहीं करते। क्या मैं पूछ सकता हूं मिस्टर वर्मा कि आप उस आदमी के साथ क्या सलूक करने वाले हैं? मैं जानता हूं जब आप मुझ पर शुभ रखते हुए भी अदालत में मेरे खिलाफ बयान नहीं दे सके तो आप अपने भतीजे के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। लेकिन मैं उस बदमाश को माफ करने वाला नहीं हूं। मेरी इज्जत को खाक में मिला के, मेरे दिल की हर आरज़ू को पांव तले कुचल कर वो आदमी मुझसे भाग कर नहीं जा सकता। वो जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। बेटा, मैं तुमसे माफी मांगने आया। सत्यन, मुझे माफ कर दो, मैंने बड़ा अन्याय किया है, तुम्हें चोर समझा। दुनिया की यही रीत है कल्पना, इस हाथ ले उस हाथ दे। मैंने अपने बड़े भाई को चोर समझा, भगवान ने यह सजा दी कि तुमने मुझे चोर समझा। कौन? सुधा, कहाँ से बोल रही हो? मैं मिल ऑफिस से बोल रही हूँ, आप जल्दी आ जाइए। क्या कहा? मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुमने मुझे सबके सामने जलील किया, चोर साबित किया, तुम्हें इसके साथ भुगतनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स? तुमने अपने पिताजी के डॉक्यूमेंट्स को जलाकर उन्हें जरूर बचा लिया, लेकिन तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैंने सोचा था तुमसे शादी करके इस मिल का मालिक बनूंगा, लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया। अब मैं तुम्हें इस मिल में जलाकर खाक कर दूंगा। शंकर! सत्यन भैया! भाभी, मेरी इज्जत बचाइए। शंकर, हट जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले धमकियों से नहीं डरा करते शंकर, तुम तो इंसान हो। भगवान की सौगंध अगर आज मौत भी मेरे सामने आ जाए तो मुझे नहीं डरा सकती। खबरदार, thank you.
कहाँ है सतीन? उसकी जान खतरे में है, उसे बचाइए। भैया भाभी कहाँ है? भैया वो बिल्कुल ठीक है, चले यहां से चले। भैया तुमने मुझे माफ कर दिया ना भैया? सतन बोलो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। दाग गुलामी का धोया है जान लुटा के, दीप जलाए हैं ये कितने दीप बुझा के। ली है आजादी तो फिर इस आजादी को रखना होगा हर दुश्मन से आग बचा के। नया खून है नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।